मध्य प्रदेश में अब तक राजगढ़ जिला कोरोना महामारी से अछूता था, लेकिन जैसे ही ग्रीन जोन होने के बाद प्रशासन ने छूट दी, वैसे ही कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा, जिससे स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसी के चलते कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए खिलचीपुर और जीरापुर शासकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कोरोना काल में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही है। वहीं जिले में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सीएमएचओ को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लेटर आया था कि अभी कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, उसके उसमें जो भी पंजीकृत जो भी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने जीरापुर क्षेत्र में, उनको जो है सीलबंद करने की कार्रवाई का लेटर आया है, तो उसके अंतर्गत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और कोरोना वायरस जो है उसके लक्षण वाले कोई भी मरीज़ वगैरह यदि क्षेत्र में यदि मिलते हैं, तो वो डायरेक्ट अपने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पास में आएँ, उनको दिखाएं, और दिखाने के बाद यदि लक्षण मिलते हैं तो उनकी जांच सही तरीके से हो सके और उनका इलाज सही समय पर पहली स्टेज में ही हो सके, इस उद्देश्य से शासन ने ये कार्रवाई करने का उद्देश्य है। सर, आप कितने जगह कार्रवाई? आज 5 जगह कार्रवाई की गई है जीरापुर क्षेत्र में। तो ये कार्रवाई और भी चलेगी? और भी आगे चलती रहेगी सर। जैसे कि और जो क्लिनिक है, ये सारे अवैध थे क्या? सभी अवैध हैं। और जो में लगातार झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर? क्या घोड़ा बन गया ये ऐसा? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। झोला छाप डॉक्टर जीरापुर में लगातार काम कर रहे हैं सर, नहीं सर आज भी चल रहे हैं, कार्रवाई किए लेकिन खुल गए वापस। क्या इनको सील कर दिया गया? खड़े में कैसे चालू हो गए? एक बार सील कर दिया उसके बाद वापस ही पहचान क्यों? सर ये सिर्फ पैथोलॉजी लैब भी चल रही है, इसका कोई अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि राजगढ़ जिले में फिलहाल कोरोना मरीजों की संख्या सीमित है, लेकिन मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है, जिसके चलते जिले के तमाम आला अधिकारियों को सावधान रहने को कहा गया है। खबर मध्य प्रदेश के लिए राजगढ़ से सत्यनारायण तिवारी की रिपोर्ट।